अगर आप गौर से देखें, हम हर स्टेप के अंदर डूब जाते हैं, बड़ी सारी डिबेट करते हैं और फिर वापस बाहर निकलते हैं। हमने सबसे पहले माइंड मेकअप किया, प्रॉब्लम समझे ट्रेनिंग के क्या है, फिर हमने सीफैक के सब्जेक्ट्स और उनके डायमेंशन समझे, फिर हमने समझा कि हमें कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए। अब हमारा मामला ये है कि हमने ओवरऑल मैप किस तरह से बनाना है। अब आइडियली आपका पहला डिसीजन हो गया, जी मैंने 3 पेपर देने हैं, सर जी मैंने 2 पेपर देने हैं, मैंने 4 पेपर देने हैं, व्हाटसएप। अब प्लान करें कि आपने पहले 6 महीने में क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, उस अगले 6 महीने में क्या करना है, ये आज बैठ के प्लान करें। ये साल बाद नहीं सोचना कि मैंने ये गलत फैसला किया, दिस इज द टाइम। मैं बात करूं कि 2 साल तक पढ़ते रहने से बेहतर है कि 2 घंटे बैठ के प्लान कर लें कि मैंने एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्या चीज पहले पढ़नी है, कौन सी चीज बाद में पढ़नी है। तो एक मैप बनाए, क्षितिज जज्बाती स्टूडेंट, जिसको हमने कहा कि रिपोर्टिंग, बीएफडी, ऑडिट, एसपीएम, ये सारे पेपर वो उठा के कर रहा है। नहीं जी, और जो है ना, मेरे माउस ने कलर दिखाने छोड़ दिए, मायूस हो गया। अब सेशन बाय सेशन, सेशन से मुराद है 6 महीने। अगर हम जून में बैठे हैं तो दिसंबर तक एक सेशन है, अगले जून तक एक सेशन है, और उस अगले दिसंबर तक एक सेशन है। तो जिनके पास 1.5 साल है उनका प्लान, जिनके पास 1 साल है उनका प्लान, जो शदीद जज्बाती है उनका प्लान, जो शदीद जज्बाती नहीं है उनका प्लान। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आप जरूर बनाएं। हम कहते हैं पहला सेशन आप रिपोर्टिंग या बीएफडी, वॉट एवर द केस में भी, उसकी क्लासेस लें और एसपीएम की क्लासेस लें। पहले 6 महीने अभी आपने आर्टिकल स्टार्ट किए हैं, इस वक्त आप जोश में हैं, पढ़ाई करने का भी दिल करता है, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप फर्स्ट सेशन में भी शदीद जज्बाती है, जो इतना जज्बाती है, ऊपर दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस लें, रिपोर्टिंग की, एसपीएम की, पहले सेशन में। देन सेकेंड सेशन में वो ऑडिट की रेगुलर क्लासेस ले और साथ साथ उसके टेस्ट वगैरह दे, और एसपीएम जो उसने पिछली दफा क्लासेस ली थी उसके सिर्फ टेस्ट दे, क्योंकि खाली आप ऑडिट पढ़ेंगे तो आपको अंडर परफॉर्मिंग लगेगा, तो आप टेस्ट देते हैं एसपीएम के, ताकि आपको हौसला हो जाए कि हाँ भाई वो चीज मजा आती है। एंड देन फाइनली आप रिपोर्टिंग का एक रीटेक लें। लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग एक सेशन पढ़ते हैं, फिर एक सेशन उसको रिवाइज करते हैं, फिर लास्ट सेशन जिसमें अपियर होने लगते हैं उसका रीटेक उठा लेते हैं। उस वक्त आप ऑडिट का टेस्ट सेशन और एट द एंड ऑफ सेशन जो क्रैश वगैरह होते हैं, जैसे आईकैप बहुत सारी एक्टिविटीज कराता है, मैंने 2-3 दफा आईकैप में क्रैश कोर्सेस कराए हैं, अभी पिछली दफा एसपीएम का क्रैश कोर्स कराया था, उससे 6 महीने पहले ऑडिट का क्रैश कोर्स कराया था। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकली अवेलेबल क्रैश कोर्सेज होते हैं, सेशन के एंड पे आप इस तरह का कोई सेशन अटेंड करके अपने कॉन्सेप्ट को एक दफा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इस तरह का कोई प्लान बनाएंगे, जरूरी नहीं कि आप यहाँ इन खानों में ये लिखें, आप पहले खाने में लिख दें मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, दूसरे में लिखे मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ूंगा, तीसरे में लिखे मैं तो पढ़ना चाहते ही नहीं। तो ये आपके अपनी मर्जी, आप एक सब्जेक्ट की क्लास लें दूसरे की, ये सजेशंस हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग में हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन एंड पे कुछ खाली जगह होंगी जिसमें आप अपने प्लान खुद भी डाल सकते हैं। अगर हम बात करें गुड स्टूडेंट की, जो रिपोर्टिंग और ऑडिट उठा के दे रहा है, तो उसे आइडियली पहले सेशन में सिर्फ रिपोर्टिंग की क्लास लेनी चाहिए, दूसरे सेशन में उसको रिपोर्ट ऑडिट की क्लास और टेस्ट देने चाहिए, तीसरे में रिपोर्टिंग का रीटेक करे और उसका टेस्ट सेशन दे। ये मेरी अजम्पशन ये है कि आपकी 1.5 साल बाद अटेम्प्ट है, जिनकी साल बाद अटेम्प्ट है उनको भी हम फिर देखने की कोशिश करते हैं। एवरेज स्टूडेंट पहले सेशन में इसकी रेगुलर क्लास, दूसरे में इसकी रेगुलर क्लास, फिर इसका रीटेक और इसका सिर्फ टेस्ट सेशन। अगेन इस तरह से डिफरेंट मैप है, हम बाद में इसको स्लो करके देख सकते हैं क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बिलो एवरेज स्टूडेंट पहले सेशन कुछ ना करे भाजन, वो सिर्फ जिंदगी एंजॉय करे, वो अपने आप को एक दफा समझे, फर्म के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाले, फर्म की रूटीन को देखे, फर्म की रूटीन के साथ करने की कोशिश करे, आहिस्ता 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 काम सीखे और आहिस्ता आहिस्ता ये इरादा बनाए कि मुझे पढ़ने के बारे में सोचना है। तो पहले 6 महीने वो थोड़ा सा सुकून कर सकता है, लेकिन सेकंड सेशन में उसको एसपीएम की कम से कम क्लास लेनी चाहिए, थर्ड में टैक्स की क्लास ले और एसपीएम के खाली टेस्ट दे दे, तो इससे वो इंशाल्लाह ताला इस काबिल होगा कि वो एक रीजनेबल सी परफॉर्मेंस दे सके। वो स्टूडेंट्स जिनके पास 1 साल है, 1.5 नहीं, जिनके पास 1 साल है, जिनकी अभी जून में अटेम्प्ट है, अगर हम आज जून में बैठे हैं तो आने वाले जून में अगर उनकी अटेम्प्ट है, तो ऐसे में आप अपने 6 महीने को अगर प्लान करें तो रिपोर्टिंग या बीएफडी, व्हाट एवर द केस में भी, अगर रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टिंग की रेगुलर क्लास, ऑडिट की रेगुलर क्लास आपने भी ले ली, और अगले सेशन में इनका रीटेक, क्रैश वगैरह ले लिया, और एसपीएम की रेगुलर क्लासेस लेनी। क्यों? क्योंकि अब आप हैं शदीद जज्बाती आदमी, आपको पढ़ने 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप अगर इन खानों में देखेंगे आप कहेंगे लो सर ने तो हमें बहुत पढ़ने का कह दिया। तो पहले ही मजाक शुरू किसने किया था? आपने कहा सर है भी मेरे पास साल और मैं हूं भी बहुत जज्बाती और मैंने देने भी 3 पेपर हैं।
तो अगर इतने जज्बाती हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी उस लेवल की होनी चाहिए, फिर क्लासें भी लेनी होंगी, फिर आपको रीटेक भी लेना होगा, फिर आपको टेस्ट भी देने होंगे ताकि आप एक साल के अंदर इन तीन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकें। आपकी सोच है कि 5-6 महीने कैसे पर लगा के उड़ जाएंगे और एकदम से आपको पता लगेगा कि मेरा तो आधा टाइम गुजर चुका होगा। एक भाई ने कहा अच्छा 4 पेपर वाले कैसे करें 1.5 साल में, मैं भी उनके लिए भी लेके आता हूँ। हर तरह के लोगों के लिए हर तरह का मसाला है। बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए इस तरह से प्लान बना दिया कि पहले एसपीएम की यहाँ क्लास ले ले, फिर टैक्स की इधर क्लास ले ले। मेक योर ओन कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे प्लेस कर दिए और यहाँ लेफ्ट पे 3 सेशन रख दिए। पहली बात, अगर आपके पास यही 2 सेशन यानी 1 साल है तो फिर 4 सब्जेक्ट जो सोच रहा है वो मुझे मिले, मैं उसे 2-3 घूसे शूसे मारू, मैं कहूँ यार पागल हो गए हो क्या, किस चक्कर में हो, वो खुदा का खौफ करो, को अपने ऊपर रहम खाओ। तो साल और 4 पेपर वाला कम्बिनेशन तो मैं मतलब मैं लिखते हुए भी मेरे जो है ना वो हाथ कप कप आ जाएंगे और मुझे समझ नहीं आएगी। देन तो अब ये सामने 4 कॉलम है, आपने 4 कॉलम में से जो से 3 कॉलम अपनी पसंद से भरने हैं आप भरें। एक ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास खाली, एक ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास खाली, और ये 2 फॉर्मेट बनाए हुए हैं। आप इस फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लो जी सर ने मुझे समझाया लेकिन मैंने 3 पेपर तो देने हैं, मैं काम करता हूँ मैं ऑडिट छोड़ देता हूँ। आपने छोड़ दिया, आपने कहा मैं टैक्स उठा रहा हूँ, मैं एसपीएम उठा रहा हूँ, और इन 2 में से आपने कहा मैं क्योंकि मैं ऑडिट नहीं उठा रहा तो मैं काम करता हूँ मैं बीएफडी उठा लेता हूँ। तो आपने सोचा अच्छा पहला सेशन है मैं काम करता हूँ, यहाँ बीएफडी की क्लासेस ले लूंगा और टैक्स वगैरह तो शायद इस सेशन लेने का फायदा नहीं, सर ने कहा था चलो अगली दफा टैक्स की क्लास ले लूंगा। एसपीएम के बारे में आप सोच रहे हैं अच्छा जब बीएफडी पढ़ना शुरू करता हूँ, अगर मेरी तैयारी अच्छी हो गई तो मैं एंड पे 2 से 3 महीने एसपीएम तैयार कर दूंगा, 2 से 3 मंथ एसपीएम को दे दूंगा। या वो आप भी साहब के बारे में सुना है कि उनका क्रैश कोर्स है, या उनका जो है वो एक रीटेक का एक वो बना हुआ होता है रीटेकर्स के लिए, 1-1.5 महीने टाइप का बैच होता है जो कम टाइम में तैयारी की जा सकती है। अरे हाँ बस मैं फिर उस तरह का बैच ले लेता हूँ। तो अगेन मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप अपना प्लान बनाएं, लेकिन मैंने आपको जो कॉमन सजेशन कॉमन बातें की हैं बस उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। आर वी क्लियर, क्या अभी तक सारी बातें तमाम अच्छी तरह से समझ आ रही हैं? अगले स्टेप की तरफ आते हैं। जी हैंड रेस करके बता दें, आर वी क्लियर? और मेरे पास 0 हैंड रेज हुए हैं। हैंड रेज होना शुरू हो गए फाइनली, मुझे लगा शायद सॉफ्टवेयर मेरा हैंग हुआ है तो मैं नेट का कनेक्शन देखना शुरू हो गया, ठीक हो गया।